हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, आपका मैथ का एग्जाम 16 तारीख को है, तो आपको पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो मैथ के एग्जाम के लिए मैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सारे क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके सामने लेके आ गया हूँ। ठीक है, आप इतने क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, आपके पास टाइम बहुत है, तो आप क्वांटम के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैं सारे PYQ जितने भी आज तक पूछे गए हैं, वो सारे लेके आ गया हूँ। जितने इंपॉर्टेंट हैं, वो सब क्वेश्चंस में लिस्ट में आ गया हूँ, तो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसी में पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है, d4y/dx^4+m4y = 0। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में अधिकतर पूछ देता है सेक्शन ए में। ठीक है, आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत बार इक्वेटिव इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। क्या कॉन्सेप्ट है? इकी पावर, आपको पता है इकी पावर IAX है, तो इसको हम cos AX + isin AX लिख सकते हैं, जिसमें ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और ये क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। ये फॉर्मूला लगेगा कब, देखो, यदि QX हमारा x^n sin AX हो या x^n cos AX हो, तो हम PI निकालते हैं, तो रियल पार्ट = cos AX क्या होता है, रियल पार्ट होता है, तो हम लगाते हैं ना, रियल पार्ट = 1/FD e^IAX (x^n) e^IAX को बाहर निकाल लेंगे, 1/FD, जब जितना ये x के साथ होता है उसको d में प्लस करते हैं x^n। इस फॉर्मूले से PI निकालेंगे, जब भी हमारा जो QX हो वो कैसा फंक्शन हो, x^n sin AX या x^n cos AX के फॉर्म का हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है के ट्यू में, अधिकतर रिपीट भी क्वेश्चन बहुत बार हुआ है कि d²-4d + 4 (y) है, 8x²e^2x sin 2x, 1 के 2 2008 में पूछा गया, 10, 16, 18। ये क्वेश्चन 10 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, ये इसी से लगेगा। आपको पता होना चाहिए, ये हमारा स्पेशल केस होता है, ये हमारा स्पेशल केस भी होता है। ठीक है, स्पेशल केस किसे भी जानते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, d²/2dy/dx + y = x²e^-cos x 1/2012 में हुआ है। ये क्वेश्चन आप लगा लेना, ये हमारे स्पेशल मेथड से लगते हैं, मींस ये आप देखो, इसमें क्या है, कॉस है, तो इमेजनरी पार्ट से लगेगा। इसका सलूशन भी आपको चाहिए तो बता देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। वैसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम आपके पास पर्याप्त है, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जब देखो साइन एक्स साइन की, देखो जब साइन हो कॉस हो, तो ये लगा देना ऊपर वाला फार्मूला, यदि टेन दे रहा हो, कॉट दे रहा हो, सेक दे रहा, सेक एक्स दे रहा हो, कॉस एक्स दे रहा हो, तब आपको कौन सा फार्मूला लगाना होता है, तब आपको ये लगाना पड़ता है, 1-D−α(QX) = e^αx (e^−α(QX)dx। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये फार्मूला में डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये वाला पूछा गया, जो सेकेंड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में भी मिलेगा। मेरा मानना है कि आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इसको सॉल्व करना। ठीक है, वैसे जब भी एग्जामिनेशन में आया है तो नाम से आता है, ये क्वेश्चन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करिएगा, या कभी कभी क्वेश्चन नहीं देता कि सॉल्व करके इसका PI and CF फाइंड करिएगा। तो ये क्वेश्चन रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन साइन सेक एक्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भाई बहुत बार ये पूछा गया, नाम से पूछा गया है, इस क्वेश्चन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करिएगा। इसी में एक क्वेश्चन ये बनता है, d²/dx²+3dy/dx+2y = e^e^x। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, मैं e^x को t मान के सॉल्व करते हैं, जब भी इसका डिफिनेशन करते हैं, एक क्वेश्चन का लॉजिक है। वैसे क्वेश्चन ये भी अच्छा है, देखने में थोड़ा विचित्र लगता है, e^e^x थोड़ा लगता है कि अरे कैसा क्वेश्चन है, जिसे लगाया होगा उसे पता कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कॉची यूलर फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बनता है कॉची यूलर फॉर्म से, x²d²/4x(dy/dx+2y) = e^x। ये क्वेश्चन कॉची यूलर फॉर्म से पूछा जाता है, मैं जितने भी लिखा हूँ सारे PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। x²(y)·x·y)·x³e^x, ये भी क्वेश्चन 2016 पूछा गया कॉची यूलर इक्वेशन का, x²(y)·x·y)·3y, x²log(x), ये भी कॉची यूलर थ्योरम का क्वेश्चन है और पूछा गया है 2012 में। ठीक है, ये भी बनता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉची यूलर थ्योरम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन हैं। आप सारे क्वेश्चन लगा के जाना, विथ क्वांटम के क्वेश्चन भी लगा के जाना, क्वांटम के क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी वैल्यू चेंज कर देता है, पर मेथड वही होता है, मेथड आप अपना सेल्फ लगाना। ठीक है, क्वांटम का मेथड प्रेफर ना करना, आपका नंबर कट जाए। ठीक है, क्वांटम का मेथड नहीं प्रेफर करना, उसमें सारा मेथड गलत दिया, बहुत शॉर्ट मेथड दिया जाता है, स्टेप गायब कर देता है यार क्वांटम में। ठीक है, इसमें क्या होता है, x²d²-xd+4 (y)cos log x + x sin log x, ये क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, ये 2014 में पूछा जा चुका है, ये 2015 में पूछा गया, ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है,
एक ये क्वेश्चन, एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दो से क्वेश्चन आने की प्रॉबलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यदि सीएम बाप पी आई का क्वेश्चन बनेगा या फिर इससे बनेगा या फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बनेगा या फिर किससे बनेगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अधिकतर मोस्ट ऑफ प्रॉबलिटी यही होती है कि या फिर इससे क्वेश्चन बनेगा या फिर इससे क्वेश्चन बनेगा। इन दो टॉपिक से अधिकतर सीएम बाप पी आई के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सिमल्टेनियस क्या होता है, सिमल्टेनियस लीनियर डिफेंसिव क्वेश्चंस क्या होती है, इसमें दो क्वेश्चन दिया जाता है और एक सवाल होता है उसमें मान निकालने पड़ते हैं। इसका प्रोसेस आपको पता होगा, आपने सॉल्व किया होगा। ये ए के टू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ए के टू में दो बार पूछा गया, 10 और 15 में पूछा गया। इस साइन टी कॉस टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन क्वांटम में दिया गया है, मैंने देखा था इसका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिखा भी इंपॉर्टेंट पर पूछा एक ही बार गया 2016 में, पर इंपॉर्टेंट ये भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमल्टेनियस में का ये वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। dx अपॉन डी टी माइनस का बाई e की पावर टी dy अपॉन डी टी प्लस x साइन टी, x 0 = 1 y 0 = 0 दे रहा है और 10, 11, 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। इसको आगे भी पूछा गया है पर इतने ही सन मुझको पता थे, मैं जब देखा था पुराने पीएस के पेपर्स में, आगे भी पूछा गया, मैंने सारे सन्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि जाना सन देखो भी दिक्कत होता है यार, पूरा पेपर नहीं सेट हो पाता है, ठीक है। तो इसी क्योंकि सिलेबस चेंज भी होता है यार, कभी कभी हर मतलब कि हर ईयर में नए नए टॉपिक ऐड होते हैं, इस प्रकार से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पर इतना पता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। अधिकतर ए के टू सिमल्टेनियस क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है, आपका सिमल्टेनियस क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही आएगा ये क्वेश्चन, ओके, इसके आने की प्रॉबलिटी होती है। और मैं तीन ही क्वेश्चन को लिखा हूँ, तीनों लगा लेना, ठीक है, और इसके आने की प्रॉबलिटी होती है, ठीक है। अरे बाई चांस यहाँ को कॉस कर दे, नीचे साइन कर दे तो रिवर्स कर सकता है, या फिर बाई की जगह पे बाई स्क्वायर डी टू एस डी वाई कर दे तब कर लेना। आपको मैथड पढ़ा है तो सवाल कोई भी दे दे, कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सोल्यूशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जिसे नॉर्मल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दो किस प्रकार से बनते हैं, पहला क्वेश्चन 2012-2013 में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितनों में तीनों क्वेश्चन लिया तीनों ही बहुत बार पूछेंगे। देखो पहला क्वेश्चन 2012-2013 में पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन 8/14 में, 11/14 में, दो तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तीनों ही, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे तैयार कर लेना, ठीक है, जिसका सोल्यूशन चाहिए तो बता देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, पहले ही वाला बनता है, बाई डबल डैश माइनस का कॉट एक्स बाई डैश माइनस का बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का कॉस क्यू एक्स, ये वाला क्वेश्चन बनता है। इसके बाद ये भी बनता है, बाई डबल डैश वन माइनस का एक्स बाई डैश प्लस 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स पावर 4, ये भी 2014 में पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बनते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं, मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है सी एफ बाय पी आई का। अधिकतर इनमें करा इन दोनों से ही बनेगा, बनता है मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको पता है इस बार आई आई टी बिचू पेपर बना रही है तो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर बना रही है, आप लोगों के आप देख रहे होगे ना यार, तो मैं कह रहा हूँ पढ़ना सबको है, कोची से भी पूछ सकता है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी पूछ सकता है, स्पेशल फॉर्म से भी पूछ सकता है। स्पेशल फॉर्म जो मैं सबसे पहले आपको बताया हूँ इसको स्पेशल फॉर्म कहते हैं, ये जो है इसको इन जनरल जनरल में लिखा भी इसको स्पेशल फॉर्म से नाम से जानते हैं, कभी पूछ देता है राइट डैश स्पेशल फॉर्म, स्पेशल फॉर्म यही होती है, ठीक है। आगे देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यहाँ से क्वेश्चंस कॉपी बनते हैं, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, जैसे मैं बता कहा था मैंने आपसे ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जब भी आए क्वेश्चन तो उसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा यार, काफ़ी ईजी। इसको 1 माइनस डी माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स से सॉल्व मत करना, इससे सॉल्व करना काफ़ी ईजी सोल्यूशन होता है इसका। 2030, 40, 50 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है सीएक्स का। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है, 10x का भी बनता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से नाम से पूछता है, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व फाइंड सीएफ बाय पीआई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो नेम से पूछता है, मतलब फिर आप कोई भी मेथड नहीं लगा सकते हैं, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को नेम से भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाई डबल डैश माइनस का वाई अपॉन टू अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लिखा भी मेरे को जिस लिखा हूँ ये तो बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पर भी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिटी में। आप सन भी देख सकते हैं यार कि इसमें 12 में भी पूछा गया, 14 में भी पूछा गया, 12 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, 14 में भी बना है, 18 में भी बना है, एक स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस का एक्स बाई डैश माइनस का बाई एक स्क्वायर ई की पावर एक्स फाइंड सी एम बाई पी आई बाई यूजेज ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ऐसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए। बाई डबल डैश माइनस का 6y प्लस का 9y = ई की पावर 3x / 1 एक स्क्वायर, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे हमारे
सी एफ बाई पी आई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पहला मैंने स्पेशल केस से आपको बताया, दूसरा ये टेन एक्स दे रहा हो क्यू एक्स के फॉर्म में, या फिर सेक ए एक्स दे रहा हो, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना इस मेथड से, डी माइनस अल्फा डी प्लस अल्फा के मेथड से सॉल्व करना। कॉची के मैंने आपको पांच क्वेश्चंस बताए, ये पांचों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइमल्टेनियस के मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए, जिसमें सबसे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाला है। इसके बाद देखो रिमूवल ऑफ पैरामीटर के सारे तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन आपको यहीं से बने, इसके हट के कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। एक वैल्यू चेंज कर सकता है, साइनस की जगह पे कॉसेस कर सकता है, कॉसेस की जगह साइनस कर सकता है, टेनस कर सकता है, ये थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, पर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको यूनिट टू का सोल्यूशन दूंगा, थ्री का भी दूंगा, फोर का भी दूंगा, फाइव का दूंगा। आप क्रमबद्ध सॉल्व करते रहिएगा, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से सॉल्व करिएगा, आपका मैथ का सबसे अच्छा जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ सारे पेपर से। अच्छा खासा टाइम है यार, विधिवत सॉल्व करो आराम से। इन क्वेश्चंस के अलावा आप क्वांटम के क्वेश्चंस को आराम से प्रेफर कर सकते हैं, उनके जितने भी पूछे गए सारे क्वेश्चंस रिपीट उनको फिर से लगाइएगा। अधिकतर क्वेश्चन में यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को कवर किया हूँ, बाई चांस कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो क्वांटम के क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा, टाइम आपके पास बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।